पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स, असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी, हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अस्सलाम अलैकुम। वीकली होरोस्कोप के साथ AQTV से एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हाजिर है। 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, जंजानी जंत्री 2021, 12 इमामिया जंत्री 2021, अलबैरूनी तकवीम 2021 और रमा माह का शुमारा माहनामा आईना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसकी PDF फाइल या हार्ड कापी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं यह हफ़्ता तमाम ज़ोडियक साइंस के लिए कैसा रहेगा। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स, असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी, हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज हमल एरीज 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ ही नज़र आता है कि बुर्ज हमल वाले अफराद की दिलचस्पी है घूमने फिरने पे, सैर व तफरी पे, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। दोस्तों के भाइयों के साथ मिलकर भी कुछ मामलात में पेशरफ़ दिखाई देती है। वो अफराद जो बैरून मुल्क रहते हैं, अपने फैमिली से रबते को बहाल करेंगे, फैमिली से नाराज़गी ख़त्म करने का मौका मिलेगा। और कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो किसी नए काम का आगाज़ करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक में किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए नेक और बहुत आसान हो सकती है, उसमें फ़ायदा रहेगा। चाहे किसी से कोई रिश्ता जोड़ना है, किसी ताल्लुक़ का आगाज़ करना है, कारोबारी नौइयत के मामलात हैं, उसमें की गई इन्वेस्टमेंट आपके लिए बड़ी अच्छी और बेहतर रहेगी। बीमार हैं तो पहले 3 दिन इस वीक में शिफा याबी के हैं कि सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जो बाकी दिन हैं उसमें थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर एहतियात करनी है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही सितंबर का आगाज़ होगा आप लोग खुश खुराकी की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्टमक के प्रॉब्लम हो सकती है। तो पानी का इस्तेमाल, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ एरीज़ वालों को स्किन की एलर्जी भी हो सकती है कि फंगल इन्फेक्शन है, ड्राई स्किन है, खुश्की है, डैंड्रफ है, सर में ख़ारिश बहुत ज़्यादा होगी, या ये भी हो सकता है कि सर में दर्द की भी शिकायत रहे, तो थोड़ा सा एहतियात करना है। फाइनेंशियली तौर पे इस वीक में कदर आसानी रहेगी, बुज़ुर्गों की मशावरत आप लोग के साथ है। सफ़र से अवॉइड करें, ये वीक सफ़र के हवाले से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दुश्वारी पेश आ सकती है। फैमिली वालों का ताल्लुक, साथ उनकी सपोर्ट आप लोगों के साथ बहुत अच्छी रहेगी। घर की शिफ्टिंग, तबादला करना आपके लिए आसान हो सकता है। नौकरी जिस तरह से चल रही है उसको एज इट इज़ चलने दें, उसको तब्दील करने के बारे में मत सोचिएगा। छोटे बिजनेसमैन, छोटा कारोबार करने वाले अफराद के लिए इस वीक में थोड़ी सी सख्ती रहेगी कि मुनाफा उस अंदाज़ में नहीं होगा जिस तरह से आप लोगों की ख्वाहिश है। मेहनत आखिरी दिन तक इस वीक में करते हुए दिखाई देते हैं कि मेहनत करने के बाद आपको उसका सिला ज़रूर मिल जाएगा। बच्चों की तरफ तवज्जो बढ़ती हुई दिखाई देती है। तालीमी मामलात में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी दिलचस्पी रहेगी। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी है, लेकिन जो शादीशुदा ज़िंदगी है, मैरिटल मामलात हैं,
उसके अंदर प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं कि पहले दो दिन तो बहुत अच्छे होंगे और आखिरी जो पाँच दिन है इस वीक के उसमें शरीक हयात के साथ कुछ बात पे तलकलामी होना, ज़हनी हमाहंगी ना होना, आप उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहेंगे, वो आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाएंगे, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एहतियात कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुकद्दम, 184 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सब्ज रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकती हैं। AQ जेमस्टोन्स, असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी, हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज सौर टॉरस 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक में आप लोगों का मिजाज और आप लोग की शख्सियत शायद आपका साथ नहीं देगी। सोचने समझने की सलाहियत मुतासर दिखाई देती है। कन्फ्यूजन का शिकार, डबल माइंडेड होना इस वीक के आगाज़ से ही इस अमल का, बल्कि पिछले वीक से ही इस चीज़ का आगाज़ है कि आप लोग करने कुछ जाएंगे और कर कुछ और आएंगे, जाना कहीं होगा, पहुंच कहीं और जाएंगे। लोगों के रवैये आपके लिए बड़े परेशान कुन हो सकते हैं कि दूसरों की कही हुई बातें आपका दिल तोड़ सकती हैं, आपको मायूस कर सकती हैं। तो लोगों की बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी क्योंकि इससे आप लोगों की खुद एतमादी में थोड़ी सी कमी वाक़या होगी। यह हफ़्ता इसका आगाज़ अखराजात मांगता है, ख़र्चा आपको करना पड़ेगा, लेकिन इस वीक के इख्तिताम तक फाइनेंशियली तौर पे मामलात बेहतर हो जाएंगे। घूमने फिरने का प्लान दरमियानी अशरे में बन सकता है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे ज़हनी जो चीज़ें हैं वो ज़रा बेहतर भी होंगी, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इस वीक में सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जो कि नज़र आता है। बड़ों की, बुज़ुर्गों की मुशावरत आप लोग के साथ रहेगी। बीमार हो सकते हैं, सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये वीक सेहत को लेकर कुछ इतनी अच्छी खबर नहीं देती। फैमिली की सपोर्ट तआवुन आप लोग के साथ है। घरेलू जिम्मेदारियों में बहरहाल इजाफा रहेगा, लेकिन घर वालों की जानिब से थोड़ी तनकीद आपको सुननी पड़ेगी या आपके फैमिली मेम्बर्स आप पे हावी हो सकते हैं। रिश्तेदारों से मुलाकात होना, घर में मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी। बच्चों से प्यार भी है लेकिन बच्चों की डांट डपट भी करते हुए नज़र आते हैं कि बच्चों की छोटी छोटी वो नादानियाँ जो पहले अच्छी लगती थी लेकिन इस वीक में अपना मूड और मिजाज चिड़चिड़ा होने की वजह से छोटी छोटी बात पे उनकी डांट डपट करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक थोड़ा सा टफ है कि तालीमी मामलात में काफ़ी पैनिक सिचुएशन रहेगी, तो मेहनत पे यकीन रखते हुए अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलना है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं आपको मेहनत अभी करनी है। इस वीक में नौकरी मिलना इतना आसान दिखाई नहीं देता। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेंगे। शरीक हयात का साथ आप लोग के साथ है और वो अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं इस वीक में शादी की बातचीत चलना तय पाना उसमें आसानी रहेगी। मोहब्बत करने वालों के लिए अभी अच्छा वक्त नहीं है, महबूब की बेवफाई आपको मायूस कर सकती है। इस वीक में सफ़र के दौरान एहतियात भी लाजमी है क्योंकि सफ़र होगा, लेकिन अगर एहतियात ना की तो कुछ सफरी मामलात में प्रॉब्लम्स देखने में आ रही हैं। वालिद का साथ रहेगा, वालदा का साथ रहेगा, बड़ों का तआवुन रहेगा। इस वीक में अगर किसी भी काम का आगाज़ करें मुस्तकबिल में आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या नाफ़ियो, 201 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनाई की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकती हैं। AQ जेमस्टोन्स, असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी,
हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। برج جوزہ جمنائے 29 اگست سے لے کر 4 سپتمبر تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس ویک کا آغاز آپ لوگوں کے لیے انتہائی شاندار نظر آتا ہے۔ دوستوں سے ملاقات، دوستوں کی مدد، ان کی معاونت شامل رہے گی۔ بڑوں سے فائدہ، بڑے بہن بھائیوں سے فائدہ، ایون چھوٹوں سے بھی فائدہ اس ویک میں ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے اس ویک کا آغاز ہی منافع سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اخراجات میں کمی ہوگی لیکن ابتدائی حصے میں، اور ایسے لوگ جن کو سوشل گیدرنگ کا بڑا شوق ہے، گھروں میں کھانا پینا، لوگوں کو بلانا، اس کا موقع بھی ملے گا۔ مہمانوں کی آمد و رفت بھی ہو سکتی ہے، اور اس ویک کے آغاز میں ہی کوئی ایک دیرینہ خواہش آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس سے آپ کے چہرے پر مسرت اور شادمانی کے آثار نمودار ہوں گے کہ آپ کا موڈ بہت اچھا رہے گا۔ لیکن جیسے ہی اس ویک کا درمیانی حصہ آئے گا، اس کے اندر تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے نظر بد کا شکار ہوں گے، اور جوش خطابت میں آ کر اپنی راز کی باتیں دوسروں کو نہیں بتانی، اس سے نظر لگے گی۔ اور کچھ برج جوزہ والے افراد ایسے بھی ہوں گے بیچارے سادہ، جن کو لگے گا کہ جی ہم پر کسی نے کچھ جادو کر دیا ہے، کوئی بندش کر دی ہے۔ کسی کے ہونے کے احساس ہونا، اکیلے بیٹھے ہیں تو گھر میں یا کمرے میں کوئی عجیب و غریب ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ دینا، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن ذہن آپ کو اس طرف لے کر جائے گا کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ تو اس میں اللہ کا ذکر اذکار زیادہ کریں، لوگوں کی خدمت بھی زیادہ کریں، اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ویک جاتے جاتے آپ کو بہت بڑی خوشی بھی دے کر جائے گا، جس سے دوبارہ آپ اس کیفیت سے نکل کر واپس اپنے روزمرہ کے معاملات کی طرف آئیں گے۔ فائنینشلی طور پہ درمیانی حصے کو چھوڑ کر یہ پورا ویک شروع اور جو اختتام ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ گفتگو کرنے سے پہلے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ گھر میں مہمان بھی آ سکتے ہیں، ان کی خدمت خاطر توازو آپ کو کرنی پڑے گی۔ سفر ہو سکتا ہے، سیر و تفریح کی طرف بھی توجہ رہے گی، فیملی کی سپورٹ تعاون آپ کے ساتھ رہے گا، اور جس سے آپ بے پناہ پیار کرتے ہیں پورے گھر میں، وہی آپ کو سب سے زیادہ تنگ کرے گا۔ چاہے آپ کا کوئی بچہ ہے، چاہے آپ کا شریک حیات ہے، چاہے آپ کا کوئی بہن بھائی ہے، جس سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ اس ویک میں آپ کو ضرور پریشان کرے گا۔ کچھ لوگوں کو ان کا محبوب بھی پریشان کر سکتا ہے۔ تعلیمی اعتبار سے بچوں پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ رہیں گی، اپنے تعلیمی معاملات میں دلچسپی لینی ہے۔ صحت پر خرچہ ہو سکتا ہے، صحت کا اپنا خیال رکھیے گا۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری دکھائی دیتی ہے، اور وہ افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں، آپ کی شادی کی بات چیت چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، یا برو، 202 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور اے کیو ٹی وی کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اے کیو جیم اسٹونز، اصلی مستند اور معیاری جیم اسٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور اسٹیپ پر۔ اے کیو جیم اسٹونز، اسٹرالوجر علی زنجانی، ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج سرطان کینسر 29 اگست سے لے کر 4 اگست تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ برج سرطان والوں کا اس ویک کا آغاز ذمہ داری، مستقل مزاجی، عزت شخصیت میں اضافہ، اور اتنی ذمہ داری کہ شاید اپنی ذات کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس وقت نہ ہو۔ بہت سو لیا، بہت ریسٹ کر لیا،
लेकिन अब उन उलझनों को सुलझाने का वक्त है जो बहुत अरसे से आपकी नादानी गफलत की वजह से ताखीर का शिकार हैं। आप लोग हफ्ते में दो दिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं और फिर पाँच दिन आप लोगों को आराम की ज़रूरत होती है कि उसी दो दिन की कैफियत में रहते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया। तो इस वीक में आप लोगों ने अगर अपनी कोई गफलत की वजह से अपने कामों को छोड़ा तो आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं उसमें तनज़ली की तरफ जाएंगे। आपकी इज़्ज़त पर हर्फ भी आ सकता है, जैसे मैंने बताया कि इज़्ज़त मिलने का वीक है, बेनिफिट मिलने का वीक है, आसानियों का वीक है। घरेलू मामलात में, ताल्लुकदारी में, रिश्तेदारों के साथ, काम काज कारोबार में हर लिहाज से आपको फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों की मदद मावनत आप लोगों के साथ रहेगी। ख्वाहिशात के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा है कि ख्वाहिशात का पूरा होना, चाहे कोई पैसे की ख्वाहिश ही क्यों ना हो तो वो भी इस वीक में आपको मुनाफे की सूरत में मिलती हुई दिखाई देती है। बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा रहेगा, उनसे मुलाकात होगी, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी आप पर आ सकती है और ख़ानदान में बहन भाइयों के दरमियान इख्तलाफात पैदा होंगे जिसको सुलझाते हुए आप नज़र आते हैं कि आपके ऊपर ज़रा थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी फैमिली मामलात को लेकर इस वीक में दिखाई देती है। वीकेंड पे इख्तिताम पे ख़र्चा होगा, तन्हाई का शिकार होंगे, परेशान भी हो सकते हैं या बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश या उस हवाले से कुछ मामलात में पेशरफ्त रहेगी। इस वीक में आप लोगों के अंदर जोश वलवला सिर्फ काम करने के लिए बहुत है, अपनी ज़ात पर तवज्जो देने के लिए शायद वक्त ना हो। फाइनेंशियली तौर पे यह वीक आप लोगों के लिए पूरा अच्छा है सिवाय आखिरी दो दिनों के। सफ़र पर अगर जाएँ तो कोशिश करें कि जाने से पहले अपनी गाड़ी का चेकअप ज़रूर कर लें, अपनी बाइक का ज़रूर चेकअप कर लें, या जिस कंपनी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि सफ़र के दौरान भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। पड़ोसियों से मुलाकात रहेगी, घर का माहौल थोड़ा कशीदा रहेगा कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत पे, बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी रहेगी। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वीक में आप लोगों की ठीक है, सिर्फ आखिरी दो दिन में ज़रा सुस्ती का शिकार रहेंगे। शरीक हयात के साथ शॉपिंग ख़रीदारी की तरफ भी तवज्जो रहेगी और घर से बाहर ज़्यादा खाना भी खाते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या जब्बार, 206 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स, असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी, हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज असद लियो 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? बुर्ज असद वालों के लिए ये पूरा का पूरा हफ़्ता इंतहाई शानदार है, बहुत आसान है। इस पूरे वीक में आप लोगों की तवज्जो अपने ज़रूरी अहम नौइयत के मामलात की तरफ होनी चाहिए। इस वीक का एक एक लम्हा आप लोगों के लिए इंतहाई कीमती होगा। आप लोगों की काबिलियत में इजाफ़ा, किस्मत आप पे मेहरबान है कि जिस काम का भी आगाज़ करेंगे उसमें फ़ायदा मिलता हुआ मुमकिन तौर पर दिखाई देता है। वालिद की कुर्बत रहेगी, वालिद से फ़ायदा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इवन के वालदा की जानिब से भी सराहे जाएंगे, उनकी जानिब से भी फ़ायदा हो सकता है। बैरून मुल्क सफ़र में आसानी रहेगी, नींद पुरसकून है। कोई भी ख्वाब अगर इस वीक में देखें उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी कुछ इशारे होंगे उसके अंदर। हायर एजुकेशन में भी आसानियाँ, के जो मुश्किलात आप काफ़ी अरसे से तालीमी एतबार से और आला तालीम के एतबार से देख रहे हैं उसमें भी आसानी नज़र आती है।
करियर रोज़गार के मामलों में संजीदगी रहेगी। इज्जत, तरक्की, प्रमोशन के हवाले से कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, और वो अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, आप इस वीक को यूटिलाइज़ करें। ये वीक बहुत अच्छा है, आपकी कोई सिफारिश, आपकी अपनी मेहनत काम आ सकती है कि कहीं पे भी रोज़गार सेटलमेंट होने के हवाले से मामलात में आसानी। स्टार्स काफ़ी सपोर्टिव हैं इस हवाले से। किसी नए काम का इब्तदा भी आपके लिए ठीक रहेगा, दोस्तों की मदद रहेगी, कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा, की गई मेहनत का सिला इस वीक में मिलता हुआ नज़र आता है, चाहे दोस्तों के साथ या फैमिली के अंदर जो भी आप कर रहे हैं हर लिहाज से बेनिफिट रहेगा। अखराजात पे भी कंट्रोल दिखाई देता है, आपके मिजाज में, शख्सियत में रोब दबदबा, दूसरों पर हुक्म चलाना, ऑर्डर चलाना, उससे अपने काम भी निकलवाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ज़रा दूसरों की ज़्यादा डांट डपट नहीं करनी वरना खा मुखा में लोग नाराज़ होंगे। फाइनेंशियली एतबार से ये वीक बहुत अच्छा है। सफ़र अगर बहुत कोई इम्पॉर्टेंट को काम है तो करें, वरना गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें। दौरान सफ़र अखराजात बढ़ सकते हैं कि ना चाहते हुए भी पैसा गुम जाना, चोरी हो जाना, या किसी गाड़ी की ख़राबी की वजह से ख़र्चा हो जाना, ये इस वीक में रहेगा। छोटे बहन भाइयों से मोहतात रहिएगा, वो आपको तंग कर सकते हैं, और ख़ानदान की जो पॉलिटिक्स है उससे भी ज़रा बच के रहिएगा, उसमें भी प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं कि गुफ्तगू लड़ाई झगड़े की सूरत इख्तियार कर सकती है। मेहमान आपके घर में आएंगे, उनकी खिदमत करें और ख़ामोशी से उनको रुख्सत कर दें, पुराने दुखड़े लेकर नहीं बैठना वरना लड़ाई झगड़ा हो सकता है। घर का माहौल बड़ा पुरसकून रहेगा, खरीदो फरोख की तरफ तवज्जो रहेगी, घर की मरम्मत, सफाई, सुथराई की तरफ भी तवज्जो दिखाई देती है, और शरीक हयात आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुक्सितो, 209 दफ़ा इसको आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुरज सुमला वर्गो की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकती हैं। AQ जेमस्टोन्स, असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी, हर साल नवम्बर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज सुमला वर्गो 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज सुमला वालों का इस वीक का आगाज़ दोस्तों से बायूसी हो सकती है। कारोबार में मुनाफे की बजाय नुकसान का अंदेशा है। बड़े बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े का भी अंदेशा है। विरासती मामलात में तूल बातों का होना या बहस व तकरार का शिकार के विरासती मामलात में कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिश्तेदार गले की हड्डी बनते हुए नज़र आते हैं। कहने का मकसद ये है कि ख़ानदान वालों से थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, उनकी वजह से आपके घर का माहौल भी डिस्टर्ब होगा या आपकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह हो सकती है। डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा अफराद बहुत केयरफुल रहें इस वीक के आगाज़ में के दौरान नौकरी आपके ऊपर इल्ज़ामात, एलिगेशंस, उनका जवाब आपके पास कोई नहीं होगा। आपकी अपनी गफलत की वजह से काम सुस्त रवि का शिकार रहेंगे और नाउमीदी, मायूसी, बेचैनी का हिस्सा आप लोग बन सकते हैं। सफ़र के दौरान हादसात का भी अंदेशा है। गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, और अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उसमें अलबत्ता आसानी है, लेकिन अंदरून मुल्क सफ़र में थोड़ा सा मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा। इस वीक के पहले 3 दिन जब गुजर जाएंगे तो ये तमाम खराबियां आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। आपका नसीब आपका साथ देगा, हर काम में आसानी, जो रुकावटें आप इस वीक के आगाज़ में महसूस कर रहे थे उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। वालिद बीमार थे, उनकी सेहत का बेहतर होना, लेकिन वालदा की सेहत का आपने ख्याल रखना है। बैरून मुल्क सफ़र में आसानी रहेगी, नींद पुरसकून रहेगी और कारोबारी नौइयत के मामला संजीदगी इख्तियार करते हुए आपको फ़ायदा भी देकर जाएंगे। दोस्तों से तो इस पूरे वीक में आपने मोहतात रहना है। अखराजात हो सकते हैं,
اخراجات کسی بھی صورت کنٹرول ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے آپ کی شخصیت بڑی کیلکولیٹو حسابی کتابی کے چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب کرنا ایک ڈائری میں لکھنا یا کہیں اپنے موبائل میں نوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کتنا خرچ کر دیا اور کتنا ہمارے پاس سیونگ رہے گی تو سیونگ پر بھی توجہ دیں آپ کی سیونگ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس ویک میں پیسے پہ اگر توجہ نہ دی تو بعد میں دباؤ کا شکار رہیں گے گھر والوں کے ساتھ بہت احتیاط سے چلنا ہے کسی بحث کا حصہ نہیں بننا کیونکہ گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں خام خام میں ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پہ کھچتے ہوئے یعنی ناراض یا خفا نظر آتے ہیں کہ اپنی اپنی بات اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے کہ کھانے کی ٹیبل پر بھی ایک دوسرے کو دیکھنا شاید پسند نہ کریں ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا اپنے موبائل میں مصروف ہیں بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا بچوں کے معاملات پر توجہ دینی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مالک الملک 212 دفعہ اس کو پڑھیے گا اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لیبرا کی جانب پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور اے کیو ٹی وی کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو انسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں اے کیو جیم اسٹونز اصلی مستند اور معیاری جیم اسٹونز کا بااعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر اے کیو جیم اسٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے برج میزان لیبرا 29 اگست سے لے کر 4 ستمبر تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برج میزان والے تو جناب لگ رہا ہے کہ تجوریوں کے منہ کھول دیے ہیں اور اب شاپنگ کرنی ہے خریداری کرنی ہے گھر کی ضروریات زندگی کی چیزیں اس پورے ویک میں اکٹھی کرنی ہیں اور کپڑوں کی خریداری ہو زیورات کی خریداری ہو ایسی خریداری کہ جو آپ کے بننے سنورنے میں چیزوں کا استعمال آتا ہے شوز ہیں ہینڈ بیگز ہیں ٹی شرٹس ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی خوبصورتی کو مزید خوبصورت کر دے اس طرف توجہ رہے گی اور اس ویک کے آغاز میں ہی گھر سے باہر کھانا پینا ہوٹلنگ آؤٹنگ لانگ ڈرائیو پر چلے جانا شریک حیات کا ساتھ آپ لوگ کے ساتھ بڑا اچھا رہے گا اور گھر کا ماحول اس وجہ سے پرسکون رہتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے شراکت داروں کے ساتھ کچھ معاملات زیر بحث رہیں گے قانونی معاہدے عمل درآمد میں آ سکتے ہیں بچوں کی طرف بہت زیادہ توجہ رہے گی بچوں کی نشو نما تعلیم و تربیت کو لے کر اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ایک آدھا بچہ بیمار بھی ہو اس کی ہیلتھ کی وجہ سے بھی آپ تھوڑے سے فکر مند دکھائی دیتے ہیں اور یہ ہفتہ شاید آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکیں یا فیملی ڈاکٹر سے ٹیلیفونک کنورسیشن رابطہ کسی بھی انداز میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس ویک کا درمیانی حصہ رشتہ داروں سے سسرال والوں سے ملاقات متوقع ہے جو کہ اچھے ماحول میں رہے گی اور نوکری پیشہ افراد اگر کسی بھی وجہ سے کچھ مشکلات محسوس کر رہے تھے تو وہ اس ویک میں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ غیر ضروری ذمہ داریاں جو آپ پر عائد ہیں جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ پریشر بہت زیادہ آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں اس میں بھی کمی واضح طور پر نمایاں طور پر نظر آتی ہے اس ویک کا اختتام آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا ہر وہ کام جو آپ نے اس ویک میں شروع کیا اس کا صلہ ضرور آپ لوگوں کو ملے گا اور یہ ہفتہ جاتے جاتے کوئی خوشی دے کر جائے گا لیکن ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ اس خوشی کو قبول نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے زبان پہ ایک جملہ ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر اب اس کا کیا فائدہ آپ لوگ ویسے ہی اپنی خواہشات کے متلاشی ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں چیزیں جلدی جلدی ہونا شروع ہو جائیں کاروباری نوعیت کے معاملات میں سنجیدگی رہے گی مزید انویسٹمنٹ کرنا آپ لوگ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے کاروباری افراد کے لیے منافع بھی رہے گا دوست مددگار ثابت ہوں گے خرچہ ایز یوزول آپ لوگوں کی کمزوری ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے اس پہ کنٹرول اور قابو نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سیونگ آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی کچھ افراد کو سر درد کی شکایت رہے گی یا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے اگریسو غصہ
इसकी कैफियत का शिकार उस वक्त होंगे जब आपके काम जो हैं वो रुकावट उसमें आप महसूस करें, और सफ़र का इशारा भी इस वीक में नज़र आता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या बारी, 213 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज अक्रब वालों को इस पूरे वीक में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। सिर्फ दरमियानी हिस्सा आप लोग के लिए कि 1 और 2 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा 29 से लेकर इस अगस्त के अख्ताम तक और फिर उसके बाद 3 और 4 तारीख, ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें जहनी दबाव की कैफियत रहेगी, मायूस रहेंगे, परेशान रहेंगे, अच्छी भली चलती हुई नौकरी ख़त्म हो सकती है, अच्छा भला चलता हुआ काम उसमें सुस्त रवि रहेगी, अपनी हेल्थ को भी थोड़ा सा वीक कि काम करने को शायद दिल ना करे, कि इस वीक का जो पहला मंडे होगा और ख्वाहिश ये होगी कि काश आज भी संडे होता, हम थोड़ा सा ज़्यादा सो लेते। स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में नींद नहीं है। आप लोग नॉर्मल, वैसे जो मेडिकल का शोबा है वो ये कहता है कि 8 घंटे की नींद हर इंसान के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन बुर्ज अक्रब वालों के लिए 4 से 6 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा होती है। कि अगर आप 6 घंटे से ज़्यादा मुसलसल सोते हैं तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है और सारा दिन ये सर दर्द आपको तंग करता है। शोल्डर फ्रीज होने की प्रॉब्लम हो सकती है ज़हनी दबाव की वजह से, और आपका को पालतू जानवर है उसका बीमार होने का भी खदशा है, मुलाजम आपको तंग करेंगे, और नौकरी की अलबत्ता तलाश जो है वो आप लोगों के लिए सक्सेसफुल रहेगी। कि अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं उसमें आसानी, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं उसमें भी आसानी रहेगी कि शादी की बातचीत तय पा सकती है। आपका जो ज़िंदगी का रफ़ीक है, शरीक हयात है, उसके साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेंगे कि उसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से निकल सकते हैं। ख़रीदारी पर भी तवज्जो रहेगी और इस वीक का जो इख्तिताम है वो दोबारा से मायूसी रिश्तेदारों की तरफ से पैदा करने का खदशा है या काम सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से मायूसी रहेगी। इस पूरे वीक में अपने वालिद की सेहत का ख्याल रखिएगा, कामों में तसलसल नज़र नहीं आता। कारोबारी अफराद अगर बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो इन तमाम खराबियों से बचे रहेंगे, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, आपकी पहले से रूटीन बनी हुई है, बहुत अच्छा है। दोस्त मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों को पैसे नहीं देने वरना वापस नहीं मिलेंगे। फाइनेंशियली तौर पे यह हफ़्ता खर्चा करवाएगा ज़रूर, लेकिन आपकी सेविंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इम्पॉर्टेंट काम है ट्रैवल करें, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो सफ़र मत कीजिएगा। बग़ैर किसी वजह के घूमने फिरने का प्लान बनाना इस वीक में आपको ख़राब कर सकता है। घर का माहौल खुशगवार रहेगा, फैमिली की सपोर्ट तआवुन रहेगी, बच्चों की जानिब से भी प्यार मिलता हुआ दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुसव्विर, 236 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं
तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। برج کوس سیجیٹیریس 29 اگست سے لے کر 4 سپتمبر تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ برج کوس والوں کی چھٹی حس بڑی تیز دکھائی دیتی ہے کہ ہر خطرے کو آنے سے پہلے جان جائیں گے کہ کون سا شخص ہم سے کس مقصد کے تحت ملنے آیا ہے، ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے اور ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے، وہ پہلے سے ہی آپ کے ذہن میں نقش ہو چکا ہوگا۔ گفتگو بہت زیادہ کریں گے کہ آپ کو چپ کروانا مشکل، اپنے آئیڈیاز کہ آپ سے کسی نے مشورہ مانگا بھی نہیں اور بغیر مانگے ہی آپ اپنے آئیڈیاز دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ اس ویک میں آپ لوگوں کو خاموش کوئی نہیں کروا سکتا۔ بچوں کی ذمہ داری بڑھے گی، بچوں کی طرف توجہ، بچوں سے پیار ہونا، بچوں کی وجہ سے سراہے جائیں گے، بچوں کی وجہ سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اساتذہ سے ملاقات رہے گی، روحانی محفل میں شرکت ہو سکتی ہے، ماضی میں کیے گئے اعمال آپ کے لیے فائدہ مند بینیفیشل رہیں گے۔ محبت کرنے والوں کے لیے آسانی، شادی کی بات چیت کہیں چل رہی ہے اس میں آسانی، شریک حیات کے ساتھ تعلقات الحمدللہ اس ویک میں بہت اچھے ہیں۔ وہ افراد جو نوکری کی تلاش کر رہے ہیں آپ کی یہ تلاش ختم ہو سکتی ہے اس ویک میں۔ محنت ضرور کیجیے گا، محنت سے جی نہیں کترانا۔ اور بس ایک چیز کا خیال ان خواتین نے رکھنا ہے جو پریگننٹ ہیں کہ آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، آپ کی صحت ڈسٹرب ہو سکتی ہے جس سے آپ کے ہونے والے بچے کے اوپر کچھ چیزیں اثر انداز کریں گی۔ اپنی سسرال کی باتوں کو، اپنی فیملی کی باتوں کو، اپنے خاوند کی یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر مایوس نہیں ہونا۔ اللہ پاک آپ کو خوشیاں دکھائے، آپ کی نیک خواہش پوری کرے۔ یہ ویک جو ہے شریک حیات کے ساتھ گزارنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ خریداری پر بھی توجہ رہے گی، والد کی جانب سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہر کام میں آسانی دکھائی دیتی ہے کہ اس ویک میں کیا گیا ہر کام آپ کو صلہ ضرور دے کر جائے گا۔ کاروباری نوعیت کے معاملات میں سنجیدگی رہے گی۔ ترقی پروموشن کے حوالے سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، لیکن دوستوں کو اپنے کام کاج سے دور رکھیے گا کہ دوست آپ کے کاموں میں خرابیاں پیدا کریں گے۔ دوستوں سے مجھے اس ویک میں کوئی امید یا توقع کو نہیں ہے۔ ایک دوست اور ایک آپ کے ملازم یا آپ کے انڈر کام کرنے والے افراد آپ کے لیے خواہ مخواہ میں پرابلمز کو پیدا کریں گے، اور دوسرے جو آپ سے بڑے بہن بھائی ہیں ان سے بھی کچھ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ کچھ چھوٹی موٹی بیماری، نزلہ، زکام، کھانسی، کہیں ہلکی پھلکی چوٹ لگ جانا، اس ویک میں احتیاط بہرحال کیجیے گا۔ اخراجات کنٹرول میں ہیں، بیرون ملک سفر، امیگریشن کے معاملات میں آسانی رہے گی۔ فائنینشلی طور پہ یہ ویک آپ کے لیے بہتر ہے۔ مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے گھر میں ہو سکتی ہے، ان کی خدمت توازو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اپنی والدہ کی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا، گھر کے اندر گھر کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گھر کی ایک چھوٹی سی چیز کی خاطر کسی دور یا دوسری جگہ پر جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کبیرو، 232 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب۔ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور اے کیو ٹی وی کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اے کیو جیم سٹونز، اصلی مستند اور معیاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ اے کیو جیم سٹونز، اسٹرالوجر علی زنجانی، ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج جدی کیپریکون 29 اگست سے لے کر 4 سپتمبر تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ برج جدی والوں کا اس ہفتے کا آغاز کہ پاسٹ میں، ماضی میں آپ نے کوئی بھی ایسا کام کیا تھا اپنی بہتری کے لیے، اس کا صلہ اس ویک کے آغاز میں یا اس پورے ویک میں آپ لوگوں کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خفیہ سرگرمیوں کی طرف توجہ زیادہ رہے گی کہ ایسے کام جو شاید آپ کے خاندان فیملی کے نالج میں نہیں ہیں اس طرف بھی توجہ، اور اس میں فائدہ بھی ملتا ہوا کہ اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر
कहीं पे भी जा सकते हैं, तो आप लोगों को ज़रा आप लोगों पे नज़र रखने की भी ज़रूरत है। घर की सफाई सुथराई, घर की तज़ीन व आराइश, घर के मुरम्मती काम, घर में कोई चीज़ ख़रीद कर लेकर आना, गाड़ी सवारी बाइक की मुरम्मत करवाना, ट्यूनिंग, उसका चेकअप, मकैनिक पे भी जाते हुए नज़र आते हैं। और वो अफराद जो अपनी नौकरी का तबादला चाहते हैं उसके लिए भी तगोदौ करते हुए नज़र आते हैं, उसमें आसानी हो सकती है अगर आप कोशिश कर रहे हैं इस वीक के अंदर। तो जो लोग ज़ाती घर की ख्वाहिश रखते हैं, आपकी ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर सकती है। ज़ाती गाड़ी सवारी की ख्वाहिश रखते हैं तो उसमें भी इस वीक में आसानी रहेगी। वालदा की कुर्बत, वालदा की सेहत का ख्याल, वालदा के काम आना, उनकी खिदमत तवाज़ो करते हुए नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों के मामलात पर भी तवज्जो रहेगी। रूहानियत का शौक़ अचानक बढ़ जाएगा। इल्मी तौर पे भी और मजहबी तौर के ऊपर भी आपके अकायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मज़बूत होते हुए नज़र आते हैं। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी है। शादी की पेशकश होना, शादी की बातचीत चल सकती है। तालीमी एतबार से भी दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आती है। इस वीक के इख्तिताम में, आखिरी हिस्से में अपने घर वालों की और अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि अगर आप घर से बाहर खाना पीना बहुत करते हैं तो उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा घर किसी बीमारी की लपेट में आ सकता है। तो कोशिश करें कि जो आखिरी अजाम, आखिरी तीन दिन हैं, उसमें जो खाना पीना है वो आप अपने घर में करें। घर से बाहर करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपका कोई पालतू जानवर गुम सकता है, बीमार हो सकता है, उस वजह से परेशानी का आना, लोगों की वजह से उनके रवैये देखकर परेशान होना। अलबत्त इस वीक में आपके घर रिश्तेदारों की आमदोरफ्त रहेगी, उनकी खिदमत तवाज़ो करने का मौका मिलेगा। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। शराकतदारों से भी कानूनी माहदे, कानूनी मामलात या कारोबारी नौयत के मामलात में डिस्कशन रहेगी। ये हफ़्ता सफ़र का इशारा देता है जो कि वसीला ज़फ़र साबित होगा। हर काम में आसानी, लेकिन जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं आपके कामों में थोड़ा सा सुस्त रवि हो सकती है। अभी किसी नई इन्वेस्टमेंट का अच्छा वक्त नहीं है। दोस्तों से मोहतात रहिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या नूरो, 256 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का अहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स, असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी, हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा? इस वीक के आगाज़ में ही किसी वहम का शिकार हो जाएंगे, शक व शुबे में मुब्तला होते हुए नज़र आते हैं। दूसरों पर खाम ख्वाह में शक करेंगे कि शायद ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है, मुझे इसके काम नहीं आना, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कि लोगों के तासुरात देख कर ही एज्यूम करना शुरू कर लेंगे कि ये हमसे क्या चाहता है, हालांकि वो बेचारा अपनी किसी सोच में मुब्तला हो और आपको ये लगे कि शायद मेरे साथ कोई गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि आपकी छठी हिस नो डाउट बड़ी तेज़ होती है, लेकिन इस वीक में जो छठी हिस आपकी तेज़ है वो सारे के सारे नताइज उसके ऑपोज़िट रहेंगे। इस हफ्ते में जो लोग आपसे नाराज़ हैं या खफा हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेने के बाद एक तो पहली कैफियत से निकलेंगे जो शक आपके जहन में नमूदार हो रहा था, और दूसरे नंबर पे गुफ्तगू कर लेने के बाद आपकी जो इख्तलाफात थे वो भी ख़ास तौर पे ख़त्म हो सकते हैं। तो दूसरों से राबते बहाल करना इस वीक में रहेगा, दूसरों से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, मेहनत भी ज़्यादा रहेगी, और मेहनत का सिला इस वीक में आप लोगों को ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। सफ़र का भी इशारा है कि ज़रूरी काम के तहत ट्रैवल हो सकता है। छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी आप पर रहेगी, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे दिखाई देते हैं।
पड़ोसियों के साथ साथ जो आपके अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनका साथ भी रहेगा। घर का माहौल बड़ा खुशगवार दिखाई देता है, अगर आप शक व शुबे की कैफियत में नहीं हैं तो घर वालों से प्यार यकीनी मिलेगा। और माजी में किसी भी काम में इन्वॉल्व थे, ऐसा काम जो आपके ख़ानदान और फैमिली को नहीं पता, उसमें इस वीक में आपको फ़ायदा मिल सकता है। घर की तज़ीन व आराइश पर भी दिलचस्पी रहेगी, घर में ज़्यादा मसरूफ़ हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका भी मिलेगा। बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बच्चों की हेल्थ ख़राब हो सकती है, महबूब की बेवफाई आपको परेशान कर सकती है। आपकी अपनी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बहुत अच्छी है, लेकिन जो अफराद आरज़े कल्ब में मुब्तला हैं आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, या छाती का इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ठंडे पानी से परहेज़ करें कि आपकी सेहत ख़राब ना हो। शरीक हयात का साथ रहेगा, शरीक हयात के साथ ख़रीदारी का मौका भी मिलेगा। दौरान सफ़र अगर आप इस वीक के आगाज़ में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यकम तारीख के बाद से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कुछ परेशानी आपको फ़ेस करनी पड़ेगी, और यकम के बाद ही आपके कामों में कुछ सुस्त रवि हो सकती है कि कामों में तसलसल नहीं होगा, काम रुक रुक के होते हुए बिलाखिर हो जाएंगे, लेकिन थोड़े से स्लो रहेंगे। उस वजह से जज्बाती नहीं होना, अपने कामों पर संजीदगी से तवज्जो देनी है। कारोबारी अफराद के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है यार रहीमो, 258 टाइम्स इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी, हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज हूत पाइसिस 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक बात कहूँ कि आप लोग अपनी आवाज़ थोड़ी सी धीमी रखा करें, क्योंकि आप या तो बोलते नहीं हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत ऊंचा लाउड हो जाता है कि लोगों को ये लग रहा होता है कि अगर किसी तीसरे कमरे में बैठे आप हंस रहे हों तो वो जब आवाज़ तीसरे या चौथे कमरे में जाती है तो लोगों को लगता है शायद उस कमरे में लड़ाई हो गई है, पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या हो गया। तो अपने लहजे में, अपनी गुफ्तगू में आप लोगों ने शाइस्तगी पैदा करनी है। मैं आप लोग पे तनकीद नहीं कर रहा, या आपने मेरी बात सुन के खफा या नाराज़ नहीं होना। कहने का मकसद ये है कि इस हफ़्ते के अंदर आप अगर किसी से प्यार से भी बात कर रहे होंगे तो शायद लोगों को ये लगेगा हमसे लड़ रहा है या लड़ रही है या हमें अकल सिखा रहे हैं। तो आपको समझने में दूसरे लोगों को गलत फहमी हो सकती है। ये अक्सर मकसद था आप लोगों को कहने का कि अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी, मोहब्बत, प्यार, ठहराव, तहम्मुल मिजाजी, अपने आवाज़ का जो वॉल्यूम है उसको बैलेंस करना, ये गुर आप लोगों को आना चाहिए। यह हफ़्ता आप लोगों के लिए मुलाकातों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके घर में, बाहर मेहमानों के साथ मिलना, दोस्तों के साथ आउटिंग करना इस पूरे वीक में रहेगा। ये वीक बिल्कुल एडवेंचरस वीक है कि नई जगहों पे जाना, नए लोगों से मुलाकातें करना, समाजी ताल्लुकात में इजाफ़ा करना, बड़ों से, बुज़ुर्गों से फ़ायदा, उनसे भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। और जनाब फाइनेंशियली एतबार से भी यह हफ़्ता आप लोग के लिए बेहतर है। पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त, उनकी बीमारी या उनके इस दुनिया से चले जाने का गम आप लोगों को परेशान करेगा, तो पुराने दोस्तों से रابطہ बहाल रखें, उनकी खैरियत ज़रूर मालूम कीजिएगा। नए दोस्तों की रंगीनियों में महव नहीं हो जाना, पुराने दोस्तों को भी याद रखना है। इस वीक में सफ़र भी दिखाई देता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी, फैमिली के अमूर ज़ेरे बहस रहेंगे कि ख़ानदान में कोई लड़ाई झगड़े, कोई इम्पॉर्टेंट मामलात, कोई रिश्ते के मामलात चल रहे हैं उसमें भी काफ़ी पेश दिखाई देते हैं कि आपका फ़ैसला बड़ा अहम होगा।
और आपकी अपनी भी दिलचस्पी ख़ानदान के मामलात में बढ़ती हुई दिखाई देती है। इवन पड़ोसियों के साथ क्या चल रहा है उनके ख़ानदान के अंदर भी आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती हुई नज़र आती है। आपके अपने फैमिली मेम्बर्स आपका साथ देंगे, उनके साथ आपका ताल्लुक बहुत अच्छा दिखाई देता है, बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ती हुई नज़र आती है, सेहत आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे वीक में बहुत अच्छी रहेगी। वो अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, आपकी ख्वाहिश इस वीक में पूरी होती हुई नज़र आती है, कहीं रिश्ते की बातचीत चलना, शरीक हयात आपके लिए बड़ा सपोर्टिव रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में थोड़ी सी रुकावट हो सकती है कि जल्दबाज़ी का मुजाहरा नहीं करना, बेसब्र नहीं होना, दोस्तों से मुलाकात करें लेकिन दोस्तों से अपने कारोबारी मामलात शेयर या डिस्कस ना करें और अपने राज ना उनको दें कारोबारी लिहाज से। अल्लाह ताला का एक नाम है या करीमो, 270 दफ़ा इसको आप पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।